पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश भी नशे के काले कारोबार को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से चरस और चिट्टे की खबरों से अखबार अटे पड़े रहते हैं। इसे लेकर तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक शुभ्रा तिवारी के नेतृत्व में राज्य मादक अपराध नियंत्रण दस्ते ने भी प्रदेश भर में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम तेज कर दी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश बीते कुछ वर्षों से तेजी से नशे की चपेट में आ रही है, जो प्रदेश सरकार सहित राज्य पुलिस और आम जनमानस के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश की युवा पीढ़ी चरस और चिट्टा जैसे खतरनाक नशे की गिरफ्त में आ रही है। हालांकि पुलिस विभाग के राज्य मादक अपराध नियंत्रण दस्ते ने तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक शुभ्रा तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश भर में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाकर बेहतरीन प्रयास किए हैं, लेकिन समाज के सहयोग के बिना ये अभी भी नाकाफी है। अगर जिला शिमला की बात करें तो रामपुर, ठियोग और शिमला शहर के युवा सबसे अधिक नशे की गर्त में जा रहे हैं। नशे के कारोबार में सबसे अधिक बदनाम कुल्लू जिला है और इसकी सीमा के साथ सटे होने की वजह से रामपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। जानकारी के मुताबिक रामपुर का करीब 60-70% युवा चिट्टा की गिरफ्त में है और यहां के स्थानीय लोग अपने बच्चों की इस हालत को लेकर खासे चिंतित हैं। अपनी इसी चिंता को लेकर रामपुर के कुछ लोग हाल ही में अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर गए कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह से भी मिले और उनके सामने अपनी चिंता को बयां किया। विक्रमादित्य सिंह ने उनकी चिंता के साथ खुद को शामिल करते हुए प्रदेश सरकार के साथ साथ हर खास व आम से नशे के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए बेहतरीन सुविधाओं और काउंसलर के साथ एक जिला स्तर का रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी से भी आगे आने का आह्वान किया। बहुत गंभीरतापूर्वक इसे लेने की आवश्यकता है। इसमें सरकार ने भी कदम उठाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जिला पुलिस द्वारा एक नाइजीरियन को इसमें अरेस्ट किया गया है दिल्ली से, जो एक बहुत बड़ा कारोबारी इस जो सफ़ेद ड्रग है चिट्टे का उसका था। मगर इसके साथ साथ हमें जो एक अवेयरनेस ड्राइव जो है वो प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार अपना काम कर रही है वहीं ये एक समाज का समस्या है और इसमें समाज के लोगों को जो है अलग अलग तबके हैं, चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे युवा वर्ग है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम इस चीज़ को जो है इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। इसलिए खास रूप से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हमारे इसमें हैं ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो युवा इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं, इसकी नशे की लपत में आ चुके हैं, उनको जब तक हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में नहीं भेजेंगे तब तक जो है वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जहाँ तक हमें ऐसा पता लगा है कि शिमला ज़िला में अभी तक कोई अच्छी क्वालिटी का रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि एक शिमला ज़िला में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाए जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हो, इसमें हमारे डॉक्टर्स है और हमारे और इसमें जो ट्रेनर्स है वो इसमें आएँ और वहाँ पे जो हमारे लोग जो इसकी लपत में आ चुके हैं युवा वर्ग, उनको बाहर निकालने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो हमारी पुलिस है उनको भी खास रूप से जो हमारा ज़िला हमारा क्षेत्र रामपुर का है, रोडू का है, वहाँ पे खास रूप से इसका बहुत कारोबार बढ़ रहा है। वहाँ पे अलग से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को वहाँ पे अपना सेल बनाना चाहिए ताकि जो भी इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दोनों में जो हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है वहाँ से भी बहुत सी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जो हमारा रामपुर में कुल्लू के इलाके से भी बहुत सी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उस चीज़ को चेक करने की आवश्यकता है और उसमें जो भी स्थानीय लोग हैं उनकी मदद भी इसमें हमको लेनी चाहिए। नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और नशे की दलदल में फंसते जा रहे युवाओं के अभिभावकों के लिए आवश्यक एहतियाती कदमों को लेकर सिटी चैनल ने राज्य मादक अपराध नियंत्रण यूनिट की पुलिस अधीक्षक शुभ्रा तिवारी से विस्तृत बात की। उन्होंने बताया कि उनकी यूनिट ने नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक विशेष मुहिम चलाई है जिसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं और एक नाइजीरियन तस्कर के अलावा नशे के काले कारोबार से जुड़े करीब 6 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ये एक सामूहिक प्रयास है और जिलों पर लगने वाली सीमाओं का इस मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ता। शुभ्रा तिवारी ने नशे की लत में पड़ने वाले युवाओं के व्यवहार में आने वाले बदलाव व लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आने, अकेलापन तलाशने और चिड़चिड़ापन जैसा लक्षण दिखने पर अभिभावकों को सचेत हो जाना चाहिए और अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए।
शुभ्रा तिवारी ने कहा कि नशे की चपेट में आ चुके युवाओं के अभिभावक उनके कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर या 2629817 लैंडलाइन नंबर पर या SMCCU के फेसबुक अकाउंट में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शुभ्रा तिवारी ने साफ किया कि विभाग नशे की गिरफ्त में आने वाले बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि नशा छुड़ाने में उनकी मदद की जाती है। डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और पुलिस का विशेष तौर पर रोल ये रहता है कि वो सप्लाई को कम करे। नशा की प्रॉब्लम के दो डायमेंशन हैं, एक तो सप्लाई और दूसरी डिमांड। तो पुलिस का कार्य है सप्लाई को बंद करना, जिसमें कि आप देखते होंगे कि हम आजकल अक्सर रोज़ एक ना एक केस इस बारे में दे रहे हैं। जहाँ तक डिमांड को कम करने का है, उसमें बाकी विभागों की भी जिम्मेदारी है, पर चूंकि पुलिस पर हमेशा जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं, तो हम इस ओर भी कार्य कर रहे हैं। हम स्कूलों और कॉलेजेस में जा जाकर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे विभिन्न अधिकारियों ने विभिन्न तरह के इसमें अवेयरनेस को ज़्यादा फैलाने के लिए तरह तरह के वीडियोस और संदेश भी प्रचारित किए हैं। हमारा आग्रह नशे को की बढ़ती हुई लत को, समाज में बढ़ती हुई लत को देखते हुए अभिभावकों से, माँ बाप से ये रहेगा कि वे अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें बताऊंगी, जिन्हें आप अपने माइंड में रख सकते हैं, जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे कहीं इस लत का शिकार तो नहीं हो रहे। ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा और कम उम्र के बच्चों द्वारा चिट्टा तथा भांग जैसे नशों का प्रयोग किया जा रहा है। अक्सर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा अकेलापन ज़्यादा प्रेफर करने लगा है, आप एकदम से उसके रूम में आ जाएं और वो बहुत ही नाराज़गी जताने लगे, तो आपको चाहिए कि आप अलर्ट हो जाएं। बच्चे यदि एकदम से उनके वजन में गिरावट आने लगे, ये भी एक संकेत है। अगर वो बीमार नहीं है और वजन में गिरावट आ रही है, तो ये भी एक संकेत है कि वो नशे का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ कई बार ये भी देखा गया है कि नशा करने वाले बच्चों की आंखें अक्सर लाल रहती हैं और उनका आपको साइज़ भी छोटा लगेगा, या हो सकता है वो आपसे ऐसे आंखें भींच कर यूँ बात करे जैसे लगे कि कोई बड़े थॉट्स में वो डूबा हुआ है, जबकि हो सकता है बच्चा वो अपने आँखों में आई हुई लालगी को दबाने के लिए इस तरह की कोशिश करके आपसे बात कर रहा। लोग इस बारे में बड़ा क्लियरली डिस्टिंक्ट करते हैं कि कौन नशे का आदि है और कौन नशे की सप्लाई करता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसी बात अपने मन में कदापि ना लाएं कि हम नशे के आदि बच्चे को बिना मतलब से एक अपराधी की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे। ना केवल SMCC बल्कि जिला पुलिस भी बच्चों को जो नशे के आदि हो जाते हैं इस तरह से अपराधी की तरह ट्रीट नहीं करती है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी, यदि आपका बच्चा नशे का शिकार है तो निसंकोच हमारे पास लाएं या शिमला पुलिस के पास ले जाएं। हम में से कोई भी बच्चे को इस तरह से इंटरोगेट नहीं करेगा कि वो अपने आप को अपराधी समझने लगे। इसे बड़े ही संवेदना के साथ इस तरह के मामलों को हम लोग हैंडल करते हैं। हमने पास्ट में ऐसे मामले हमने भी और जिला पुलिस ने भी हैंडल भी किए हैं और किसी को भनक भी नहीं लगी है कि इस तरह से अभिभावक हमारे पास अपने बच्चों की आदत छुड़वाने के लिए या राय लेने के लिए आए थे। आदत छुड़वाने में हम केवल सहायता कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को कभी भी अपराधी की तरह ट्रीट नहीं करते। प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित सभी दलों के नेता भी चिंता जता चुके हैं और प्रदेश सरकार की ओर से भी नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यदि देवभूमि को नशा भूमि बनने के बदनुमा दाग से बचाना है तो इस मुहिम में हर व्यक्ति को अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए पुलिस का सहयोग करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल पर भी उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हिमाचल जैसी फिल्म बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।